विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जटायु लिमिटेड कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंप्यूट करना है जटायु लिमिटेड का. तो कैपिटल स्ट्रक्चर इधर दे रखा है, इक्विटी कैपिटल 160 लाख का दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस 140 का. तो टोटल इक्विटी कितने की हो गई, टोटल इक्विटी 300 लाख की हो गई है ना. और 10% का डिबेंचर्स दे रखा है 400 लाख का. तो डेट हो गया 400 लाख का, यानी टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टेड हो गया कितना हो गया, 700 लाख का हो गया. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% की दे रखी है. फिर इधर फाइनेंशियल लीवरेज भी दे रखा है. बताओ फर्स्ट टाइम हम फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमने IPCC में पढ़ा था फाइनेंशियल लीवरेज वाला, है ना. तो फाइनेंशियल लीवरेज 1.5 टाइम्स का है. इनकम टैक्स रेट 30% का है. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यही होता है ना, EBIT 1 - टैक्स माइनस WACC इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. अब 1 - टैक्स तो पता है, टैक्स 30% है, तो 1 - 30% ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने अभी निकाला 700 लाख. कैपिटल में कोई किसी तरीके कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो जो भी कैपिटल है वही हमारी ऑपरेटिंग कैपिटल बन जाएगी. बट हमें ना तो EBIT दे रखा है, ना तो WACC दे रखा है, ठीक है. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन में फाइनेंशियल एवरेज दे रखा है, और फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट. तो EBIT तो हमें निकालना है, EBIT तो चाहिए ना, तो EBIT को x मान लो, ठीक है. तो 1.5 इक्वल टू x डिवाइड बाय x माइनस इंटरेस्ट कितना हुआ. देखो 400 लाख का डेट है, 10% का उसके ऊपर कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा. इंटरेस्ट 40 लाख का हो गया ना, 400 लाख इंटू 10% इक्वल टू इंटरेस्ट 40 लाख. तो इसको इक्वेशन में डाल दो, तो x यानी आपकी EBIT कितनी निकल के आ गई, 120 लाख. इसको यहाँ पे पुट कर दो 120 लाख. बट WACC तो अभी भी WACC मिसिंग है. तो WACC का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स. वेट ऑफ इक्विटी कितना है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है 700 लाख का, उसमें से 3 लाख हमारा इक्विटी का है. तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हुआ, 300/700 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% दे ही रखा है, ठीक है. प्लस वेट ऑफ डेट कितना हुआ, 400/700, क्योंकि 400 लाख का डेट है ना, तो वेट कितना हुआ, 400/700 लाख इंटू कॉस्ट ऑफ डेट कितना, कूपन रेट कितना है 10% का, हमें चाहिए पोस्ट टैक्स. तो 1 - 30% कर दो, तो WAC इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 10%. इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका EVA 14 लाख का आ जाएगा,